नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, गीली मिट्टी की खुशबू सूंघ लेने से सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है और दिमाग को ताकत मिलती है। नंबर दो, गेंदे का पौधा सूंघने से दिमाग की रगें खुल जाती हैं। नंबर तीन, अगर कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो जितना हो सके रोटी कम खाएं और ताजा फल ज्यादा खाएं। नंबर चार, अगर आप अपने शरीर में कमजोरी महसूस करने लगे तो दूध में भुने हुए चने डालकर खाएं, इससे आपके शरीर की कमजोरी खत्म हो जाएगी। नंबर पाँच, रात में 2 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे चबा चबा कर खाएं। इसके बहुत फायदे हैं, इसके सेवन से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। नंबर छः, दही खाने से डिप्रेशन और दिमागी समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर सात, कच्ची गोभी के पत्ते चबाने से शुगर लेवल कम होता है। नंबर आठ, यदि गुर्दे में पथरी है तो पथरी को खत्म करने के लिए पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, इससे पथरी टूटकर गिर जाएगी। नंबर नौ, वजन में ज्यादा कमी आने लगे तो केला खाया करें, इससे वजन दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। नंबर दस, कच्चे प्याज को रोजाना सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर ग्यारह, गन्ने के रस में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर पीने से गर्मी का एहसास कम होता है। नंबर 12, आम के पत्ते को मुंह में चबाकर चटनी की तरह बना लें, फिर उस चटनी से दांतों पर रगड़ें, थोड़ी देर में ही दांत चमकने लगेगा। और केमिकल से दांत साफ ना कराएं, वरना दांत खराब हो जाएंगे। नंबर 13, मिट्टी के बर्तन में पानी पीने वाले इंसान के करीब बीमारियां नहीं आती हैं। नंबर 14, रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की स्किन चमकदार और साफ रहती है। नंबर 15, आंखों में चमक लाने के लिए सोते वक्त 1 कली किशमिश की खा लिया करें। नंबर 16, जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम हो जाए वो गुड़ वाला शरबत बनाकर पिया करें, इससे बवासीर की दिक्कत दूर हो जाएगी। नंबर 17, तली हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने से दाने कील मुहासे बढ़ते हैं और स्किन के लिए भी नुकसानदेह है और दिल की सेहत के लिए भी खतरा है। नंबर 18, ज्यादा फ्राई वाली चीजें का इस्तेमाल करने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल भी बढ़ता है। नंबर 19, एक कपड़े में 5 सूखी लाल मिर्च को बांधकर अपने बिस्तर के नीचे रखें, ऐसा करने से आपकी सेहत कभी भी खराब नहीं होगी। नंबर 20, अखरोट को पीसकर उसमें केले का जूस मिलाकर पिए, इससे बूढ़े हो जाएंगे तभी चेहरा जवान जैसा दिखेगा। नंबर 21, डिप्रेशन के मरीज हो तो पुदीने की खुशबू सूंघा करें। नंबर 22, सूखे धनिये की चटनी बनाकर खाने से खांसी आना रुक जाती है। नंबर 23, ताजा पानी लेकर उसमें हल्दी शामिल कर लें और पी जाएं, इससे बलगमी दमा दूर हो जाता है। नंबर 24, मुंह धोने से पहले चेहरे पर खीरे का रस लगाने से चेहरा सुंदर हो जाएगा। नंबर 25, दूध में कलौंजी के दाने डालकर पीने से शरीर में ताकत आती है। नंबर 26, हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों में जैतून के तेल की मालिश करने से दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। नंबर 27, गर्मियों में पानी में पुदीना मिलाकर पीने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती हैं। नंबर 28, गाजर कच्ची चबाने से आपका खून गाढ़ा नहीं होगा और गाजर दिल के दौरों से भी बचाती है। नंबर 29, अगर बच्चों को सर्दी खांसी है तो 1 चम्मच अदरक का रस लें, फिर उसे हल्का गर्म करें और उसमें शहद मिलाकर बच्चों को पिलाएं। 4 से 5 दिन लगातार ऐसा करने से बच्चों की सर्दी खांसी में आराम मिल जाएगा। नंबर 30, भुने हुए चने में गुड़ मिलाकर सुबह शाम भोजन करने के 1/2 घंटा बाद खाने से एनीमिया में आराम मिलता है। नंबर 31, किसी भी लोहे की कढ़ाई में नारियल के तेल को गर्म करें और उसमें करी पत्ते को डालकर काला होने तक पकाएं। जब पत्ते काले हो जाएं, तो तेल को आंच से उतार लें
और सिर धोने से एक घंटा पहले इस तेल से हल्का गर्म करके सिर की मालिश करें। इससे बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी और यह अजमाया हुआ नुस्खा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 32, जो लोग दूध में गुड़ शामिल करके पीते हैं उनके पेट की चर्बी पिघलने लगती है और मोटापे से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है और कब्ज का भी मसला नहीं होता है। नंबर 33, सौंफ का चूर्ण 2 चम्मच और नारियल का तेल 1 चम्मच, दोनों को 1 कप पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। इससे कमर के दर्द में राहत मिलेगी। नंबर 34, फल खाने के बाद पानी ना पिए, इससे तेजाब बनता है और सीने में जलन भी हो सकती है। नंबर 35, फटे होठों पर करेले का पानी लगाया जाए तो होठ ठीक हो जाएंगे। नंबर 36, हाजमा खराब हो जाए तो कच्चा सलगम छिलके सहित खाएं, इससे हाजमा ठीक हो जाएगा। नंबर 37, रोजाना रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 10 से 12 किशमिश डाल दें और अगले सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पी जाए और इसके बाद किशमिश को चबाकर खा लें। रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचुरल तरीके से साफ हो जाता है, साथ ही शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट बर्न होने लगता है और शरीर से खून की कमी भी दूर होती है। नंबर 38, बदहजमी से बचना है तो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाया करें। नंबर 39, चाय में सौंफ डालकर पी लिया करें, कब्ज कैसी भी हो खत्म हो जाएगी। नंबर 40, जो बच्चे चीनी का सेवन ज्यादा करते हैं उनका लीवर खराब रहता है। नंबर 41, खाना हमेशा ठंडा करके ही खाएं क्योंकि गर्म खाने से बरकत नहीं होती है। नंबर 42, करेले का पानी रोजाना पीने से चेहरे के दाग धब्बे दाने कभी नहीं पड़ेंगे और चेहरा साफ हो जाएगा। नंबर 43, दालचीनी को पीसकर माथे पर लगाने से सिर दर्द में आराम मिलता है। नंबर 44, यदि बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो कीड़े को खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबालकर इस्तेमाल करें। नंबर 45, मुंह से बदबू आने लगे तो सुबह सवेरे सौंफ को पीसकर पानी के साथ पिया करें। नंबर 46, कमर में दर्द रहने लगे तो गुलाब के अर्क से कमर की मालिश करें। नंबर 47, नारियल को पीसकर रोटी के बाद खा लेने से चेहरा जवान नजर आने लगेगा। नंबर 48, पका हुआ आम खाने से चेहरे पर निखार आता है। नंबर 49, रात को देर से सोने से इंसान की खूबसूरती खत्म हो जाती है। नंबर 50, प्लास्टिक के बर्तन में खाने से कैंसर की बीमारी होने का खतरा होता है। नंबर 51, अगर आप चूहे से तंग आ गए हैं तो चूहे के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दें, चूहे भाग जाएंगे। नंबर 52, इलायची दांत के नीचे रखकर चबाने से हिलते हुए दांत मजबूत हो जाएंगे। नंबर 53, जुबान के नीचे कलौंजी का दाना रखने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नंबर 54, खजूर खाने से काफी देर तक भूख नहीं लगती है और सुबह खाली पेट खजूर खाने से शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहती है जिससे हमें भूख कम लगती है। नंबर 55, यदि सफर में उल्टी आती है तो सफर में जाने से पहले पुदीने की डांडिया चबाने से उल्टी की समस्या नहीं होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।